तो दोस्तों हो चुका है अंधेरा, अभी बज रहे हैं लगभग 8:45 रात के और ये आ गया उजाला। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइल्ड जंगल ड्राइव में। मैं हूं आपका दोस्त अदीब, साथ में हमारे छोटे भाई फैसल। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम दिखाते हैं आप लोगों को जंगल ड्राइव, साथ ही जंगल एडवेंचर भी। तो ऐसा ही कुछ एडवेंचर आज होगा, आप देखेंगे जंगल नाइट ड्राइव। और हम जा रहे हैं अभी अपने घर, मतलब कोटाबाग। रास्ते में पड़ेगा बैल पड़ाव से लेकर पवलगढ़ का जंगल। अभी हम हैं बैल पड़ाव रेंज में, शुरुआत हो गई अपनी और देखते हैं रास्ते में हमें क्या वाइल्ड लाइफ मिलने वाली है। और नहीं मिले तो अच्छा है, लेकिन जंगल है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो इसमें सस्पेंस और थ्रिल हमेशा की तरह होने वाला है। तो बने रहे वीडियो के साथ। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब जल्दी से और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ थी, अभी सेटिंग सही करी है और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत अंतर अब नज़र आ रहा होगा। लेकिन रात है, डार्क नाइट है। एक गाड़ी आ गई है, रात है डार्क नाइट है, वो आप देख सकते हैं उसका असर। एक तो घना जंगल है, दोनों तरफ घनी झाड़ियां हैं, कहीं से भी कुछ भी निकल सकता है, इसलिए हम बीच रोड में चलने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है अभी पवलगढ़ का जंगल, तो मज़ा आएगा और साथ ही ख़तरा भी बना रहेगा। रात का वक्त है, कुछ ही गाड़ियां नज़र आने वाली हैं, लेकिन ये जंगल ऐसा है कि इसमें रेयर ऑफ रेयर वाइल्ड लाइफ नज़र आ जाती है। और बाकी काफ़ी वाइल्ड लाइफ हमने आपको दिखाई भी है यहाँ। सीवेट बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रजाति के मिल जाते हैं, पाम सीवेट, इंडियन पाम सीवेट, और भी प्रजातियाँ हैं। और पॉर्क्यूपाइन भी मिलती है यहाँ पर, जो वो भी रेयर है। क्या बात, आज गाड़ियाँ आ रही हैं लेट। वैसे इतने बजे कोई गाड़ी आती नहीं है, हो सकता है किसी को वर्क हो, वरना गाड़ी जाती हुई ज़रूर जाती है एक आध, वरना गाड़ी नहीं आती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है जो रेयर है इस वक्त। स्लोथ बियर, बर्मस पाइथन, बहुत सारी सांपों की प्रजातियाँ भी यहाँ पर हैं, जिसमें से 4 से 5 तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। और मिलते हैं यहाँ पर बड़े बड़े हाथी, क्योंकि यहाँ पर हैं करीबन 14 से 15 कॉरिडोर या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। जंगल है, कहीं से भी हाथी आ जा सकता है, जिस जहाँ से उसे कंफर्ट होगा। बाकी ये जो जर्नी है अपनी घर तक की है, और ये जो एरिया है ना, ये जो इतनी ऊँची ऊँची घास नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक घास है, यहाँ कभी भी एनकाउंटर हो सकता है किसी भी वाइल्ड लाइफ के साथ। तो बस अभी बने रहे। हाँ, बाइक के ब्रेक लगे हुए हैं, लाल रंग की लाइट जलती हुई नज़र आ रही है, तो देखते हैं। चली गई, देखते हैं, क्या पता कोई वाइल्ड लाइफ हो। वैसे मोड़ है वहाँ पर, उस वैसे भी ब्रेक लगाया होगा, लेकिन अक्सर बैंड पर हाथी खड़ा हो जाता है, टस्कर या हाथियों का झुंड कभी कभी। एक बार तो हमारे साथ हो चुका है, जिसने हमारी टाइगर की वीडियो नहीं देखी है मैं आपको याद दिला दूँ। जी हाँ, करीबन 6 से 7 महीने पहले टाइगर हमें मिला था मोहन 0 पॉइंट पर। तो उसके बाद जब हम पूरा वीडियो बनाकर आ रहे थे वापसी, तब हमें एनकाउंटर हुआ था यहाँ पर, ऐसी लाइटें कुछ चमकी थी और यहाँ खड़ा था हाथी। बहुत डेंजरस सिचुएशन थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर जो है बैंड पर थोड़ा सा इस साइड चांसेस कम है, लेकिन हाथी यहाँ से आ सकता है, कोई वो नहीं है। तो कॉरिडोर ज़्यादा हैं सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर है नहर। आई होप आपको थोड़ा दिख रहा होगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बन रही है गोप्रो से। मैंने एक सेटिंग्स खुद की थी, बहुत अच्छी सी की थी, पता नहीं वो मैं भूल गया हूँ, गोप्रो रीसेट मारना पड़ा और वो कुछ फिर डार्कनेस वाला हिसाब हो गया उसमें, जैसे डार्क वीडियो बनती है, इसलिए मैंने बीच में मोबाइल से बनाना शुरू करी थी वीडियो,
लेकिन मैंने सोचा गोप्रो से अच्छी बन रही है अब, तो गोप्रो पे रहते हैं। फिर रीसेट मारना पड़ा तो उसके बाद सेटिंग उड़ गई है वो। अगर कोई जानकार है, गोप्रो 12 ब्लैक है मेरा, कि रात में इसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं अच्छी, मतलब लाइट वो एब्जॉर्ब करे, मतलब अच्छा दिखे इसमें, तो बता सकता है, सजेस्ट कर सकता है कमेंट पे मुझे, या इंस्टाग्राम आईडी है हमारी वाइल्ड जंगल ड्राइव नेम से, तो उस पर आप हमें कर सकते हैं। ये गाड़ी की जो लाल लाइटें हैं वो क्यों नज़र आ रही हैं? लाल लाइटें ज़्यादा नज़र आ रही हैं ना, लाल लाइटें ध्यान रखना है ज़रा। हाँ क्या पता हाथी आए हुए हों। ये गाड़ी बहुत हल्की हो गई, रुक गई है तो ये हल्के हल्के चल रही है, क्या पता, देखते हैं हम इनको सपोर्ट करते थे। इनकी लाइट जो है ना हल्की लग रही है मुझे, ऐसा हो सकता है, तो अब इनकी थोड़ी ना हम हेल्प कर देते हैं आगे बढ़कर। वैसे भी हाथियों का इलाका है, यही वो एरिया है जहां हमने आपको 22 हाथी एक साथ क्रॉस करते हुए दिखाए थे। 22 हाथी अपने आप में एक मायने रखते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप था, 45 हाथियों का ग्रुप था टोटल, 45 हाथी, आप सोचें। वाओ, लोग सोचते हैं कि अच्छी खासी संख्या है, लेकिन फिर भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है एलिफेंट भी। एक टाइम पर बहुत सारे संख्या में हुआ करते थे हाथी भी और टाइगर भी, टाइगर तो पूछिए मत, और लायन भी पूछिए मत, बहुत ज़्यादा एशिया में थे। अब जो हैं एशिया में बचे हैं लायन सिर्फ गिर नेशनल पार्क में, आप खुद सोचें, वो भी इतने रेयर ऑफ रेयर हैं वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया ही कहूँगा मैं कि एशियन लायन सिर्फ हमारे भारत में, ये बहुत गर्व की बात है। और लेकिन हम इंसानों को ये समझना है जो गुजरात में रहते हैं, तो लायन को बहुत ज़्यादा सेफ रखना है, क्योंकि इसके अलावा कहीं नहीं है पूरे एशिया में। नाम एशियन लायन है लेकिन एशिया में सिर्फ है हमारे इंडिया में, वो भी गुजरात में गिर नेशनल पार्क, ये गर्व की बात है हमारे लिए। तो अभी जो है पावलगढ़ गांव आएगा, तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए, हाँ फाइनली हम पहुंच गए हैं अपना पावलगढ़ गेट, और देख सकते हैं आप, बिल्कुल सुनसान इलाका है, बिल्कुल सुनसान। दिल में डर रहता है और जाना घर होता है। बाबरे इस लकड़ी ने तो डरा दिया है वाली। चलिए एक बाइक आई है, इसका मतलब हाथी तो नहीं है फिलहाल, ऐसा हम कुछ परसेंट मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर जाकर सीधी सड़क होती है वहाँ पर हाथियों का झुंड आ जाता है। अभी बरसात का समय है तो माइग्रेट कर रहे हैं हाथी नेपाल की ओर ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये नहीं कि लगातार ही चलेंगे, वो दिखेंगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं। और नीचे मूसा बंगर में हाथियों का ज़बरदस्त झुंड आया हुआ है, हमारे पिताजी बता रहे थे, किसी ने बताया होगा गांव वालों ने कि हाथियों ने बहुत परेशान कर रखा है, ऐसा बोल रहे थे वो। परेशान क्या मतलब, अब वो फसल खाने के लिए आ जाते हैं तो जो किसान होता है उसके लिए तो बर्बादी ही होती है, वो यही तो होता है। जंगल के पास गांव होगा तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो अभी तो हम चढ़ाई पर हैं, लाइट हमने बस लगाई रखी है, वीडियो इसलिए कंटिन्यू रख देते हैं कोई भी वाइल्ड लाइफ होगी अगर गुजरेगी तो कैमरे में कैप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीधा रखो कैमरा और कुछ भी गुजरता है आप देख सकते हैं, और हम भी। फिलहाल अभी कुछ ना मिले तो अच्छा है, रात के बज रहे हैं लगभग 9:15, जी हाँ आधा घंटा हो गया होगा, क्योंकि हम हल्के हल्के चलते हैं हमेशा, जैसा आपको बता रखा कि हल्के ही चलना चाहिए।
इतना चलें आप कि अपना ब्रेक लगा लें और दूसरे को भी सेफ कर दें और ख़ुद भी सेफ हो जाए, ऐसा कर सकते हैं आप। यही चीज़ कार पर भी अप्लाई हो जाएगी, यही बाइक पर भी, यही ट्रक पर भी। मतलब जो स्किल है, ड्राइविंग स्किल, राइडिंग स्किल, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं और कैसा सोचते हैं। आप अगर दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए भी हमेशा अच्छा होगा, ये मेरी सोच है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो आप कमेंट में लिख के बताएं कि आप कितनी स्पीड में अपनी बाइक, कार या जो भी वाहन है वो चलाते हैं, वो कमेंट कर दें। देखिए अभी चढ़ाई है लगातार, वैसे समझ लीजिए आखिरी मोड़ है, उसके बाद आएगा सीधा जंगल। लीजिए जी, यहाँ से शुरुआत होती है हमारे जंगल की, बहुत ही ख़तरनाक जंगल है। बैंड पर हमेशा हल्की कर लेनी चाहिए क्योंकि हाथी कब मिल जाए कुछ पता नहीं, गाड़ी मोड़ने तक का मौका नहीं देता, एकदम से मॉक चार्ज करता है, बहुत ख़तरनाक, बहुत ही ज़्यादा। इसका मतलब हाथी तो नहीं है, ये अच्छी बात है। बाइक आ रही है, एक और बाइक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सीधी सड़क है, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, उसके बाद जो है कुछ गांव आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आएगा हमारा कोटा बाग। तो जंगल आप देख सकते हैं, मैंने जैसा बताया था आपको कि सीधी सड़क है और ख़तरनाक सड़क है। हमने हाथी आपको दिखाई रखे हैं इस सड़क पर, तो बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता हमें। अगर नहीं देखे होते तो मैं तब भी यही बोलता कि हाँ आते हैं, लेकिन मैंने दिखा रखे हैं। रात के 2-2.5 बजे हमें करीबन मिले थे। सो आज की ये नाइट ड्राइव कैसी लगी वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। सो टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।